हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 32 रॉकी में आप सभी का स्वागत है और मेरे न्यू एपिसोड में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्बेडकर पार्क और मेरे साथ में है आशी। हे गाइस, आशी। तो हम लोग आज इधर का ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, और एक थोड़ा बहुत छोटी मोटी रील बनाएंगे, है ना आशी? हाँ जी, बाकी आप आज का क्लाइमेट देख सकते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा, तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड गाइस, जितने भी लखनऊ वाले हैं जो भी देख रहे हैं, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड ऑल। और आइए आपको आगे का अंदर का सीन दिखाते हैं हम लोग, चलिए। तो गाइस ये रहा खूबसूरत नज़ारा, अब हम लोग जा रहे हैं इधर से एंट्री करने और इसके बाद में हम लोग लेंगे यहाँ पे टिकट। अब टिकट का पता नहीं है यहाँ पे टिकट कितने का है, तो वो अंदर जाने के बाद में पता चलेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मार्बल सर, पूरे एलिफेंट के स्टैचू। हाँ जी गाइस, कैसा लगा? ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे मार्बल देख सकते हैं और ये इतने अच्छे से इन्होंने प्लांट्स को डेकोरेट करके रखा है एंड ऑल दी एलिफेंट स्टैचू जो की फाउंटेन में लगा हुआ है। आइए आपको और दिखाते हैं अंदर। आइए, चलिए। टिकट घर उधर, टिकट कहाँ पर है? ओ वहाँ पे टिकट घर, देखते हैं। इतने ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत थी प्लेस की, टिकट कितनी की है जरा देखें। तो गाइस आप ये देख रहे हो ना हाथी, इधर कम से कम 100 हाथियाँ बने हुए हैं, ऐसे 100 से भी ज़्यादा होंगे, जो हमारी जो पहले की माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी थी, मायावती। हमारा खूबसूरत सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। आशी कैसा है पार्क? बहुत सही, देख सकते हो यहाँ पर इतने मार्बल कलर लग रखे हैं, हमारी माया उन्होंने काफी अच्छा डेकोरेट कर रखा है पूरे लखनऊ को। और यहाँ पर तो बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है ना। हाँ। आई थिंक वो गाना था फिर सुनोना संगमरमर करके। हाँ। तो यहीं पर शूट हुआ था, लेकिन गाइस अभी हमको हमारा कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो हम लोग फोन पर भी बना रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या नौटंकी हो रही है। ये देख पूरे पूरे के देख आशी, इधर देख पूरे के पूरे ये हाथी। तो गाइस जो आपको वो दिख रहा है ना, और इधर से आप उधर देखोगे, उधर भी हमारे डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, उनकी भी स्टैचू बना हुआ है, मायावती जी का है और भी जने का है ना। तो अभी हम लोग चलेंगे उसके अंदर, है ना, पहले इधर का बाहर बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा देख लेते हैं। तो आशी ये देख, यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से एलिफेंट्स हैं, वहाँ पे थोड़े साइज इंक्रीज हो गया, उधर जाके देखते हैं। यहाँ पर टोटल 100 से ऊपर हाथी है, ठीक है, और ये लखनऊ का जो गोमती नगर है पार्क है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बोलते हैं इसको, है ना। तो बहुत सॉलिड है यहाँ पे, अभी आप देखना जितने नेचुरल हाथी होते हैं ना, जितने साइज उतने ही साइज के हाथी है। तो आप आओ मेरे साथ में, आपको दिखाता हूँ, पूरी वीडियो देखना तब जाके और भी मजा आएगा, अंदर का भी दिखाएंगे ना आशीष लोग को। यहाँ पे भाई बहुत स्ट्रिक है, तो कोई भी आना तो कैमरा वैमरा लेके नहीं आना, क्योंकि अंदर कैमरा पकड़े जाने पे जुर्माना है। मोबाइल से आप कर सकते हो पर कैमरा नहीं, वो भी बता दे कि 18,000 तक है जुर्माना। 18,000 रुपए। हाथी तो मुझे लग रहा है। हाँ गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं हाथी दीर्घा में। यहाँ पे जो एलिफेंट का स्टैचू है वो नॉर्मल एलिफेंट से भी ज्यादा बड़े हैं। देखिए ना कितने बड़े बड़े, बहुत ही भयंकर, मतलब जो भी स्कल्पचर होगा कितना भयंकर बना रखा है स्कल्पचर ने, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए, ये तो रियल हाथी से भी यार बहुत ऊंचा है ये तो, है ना। ये देखो भाई पूरे के पूरे हाथी है लाइन से। और यहाँ की गर्मी कैसी है ये तो बताइए, क्या ये मन सही है यहाँ पे घूमने का? जान लेवा है। ये अपने अंदर के कीड़े हैं कि हमको एक ब्लॉग बनाना है, तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। बट प्लेस तो ये बहुत ब्यूटीफुल है,
लेकिन यह है कि टाइम अभी सही नहीं है। विंटर अगर हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर, किसी को भी लेकर, तो बहुत सही है। घूमने की जगह ना बहुत ही, आपके पैर थक जाएंगे घूम घूम के, ठीक है ना, और आपकी मोबाइल की मेमोरी खत्म हो जाएगी, पर यहाँ पे ना घूमने की जगह खत्म नहीं होगी। अभी उधर भी है घूमने का जगह, वो तो गुम्बद बने, उधर भी है घूमने की जगह, उधर भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी, हर जगह, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो आप, और इतने बड़े पैर नहीं होते भाई, बहुत बड़े बड़े पैर हैं, ठीक है। तो लखनऊ में घूमने की कमी नहीं है, आप घूमना चाहो तो सुबह तो लखनऊ स्टेडियम ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेन एरिया है और इतनी अच्छी अच्छी बन रखा है यहाँ पर घूमने के लिए। बट ये है कि गर्मी में अगर आप बाहर निकल रहे हो तो प्लीज डोंट। अभी सोच रहा हूँ कि मैं इधर नीचे बैठा हूँ तो नीचे बैठा हूँ तो मेरी क्या हालत हो रही है। यहाँ पर एक ऑमलेट तो पक जाएगा, सिकाई हो जाएगी एक ऑमलेट तो यहाँ पर गर्मी से, ये बहुत ही गर्म है। अभी एक ऑमलेट भी डाल दोगे ना तो पक जाएगा। कोई बात नहीं यार, वीडियो बनाने आए तो वीडियो तो बनाएंगे ताकि लोग देखें और फिर आए इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, लोग बनाएंगे वीडियो। और इतना बोलूंगा, मायावती जी ने ना पूरा लखनऊ को ना नंबर वन बना दी, यूपी को, ये पार्क जहाँ जहाँ बने, नोएडा में भी बने, नोएडा में भी है, नोएडा से लेके नोएडा में है, लखनऊ में है, तो आप इधर से जाओगे कभी भी कहीं तो आप पार्क मिलेगा, बहुत सॉलिड बनाए हुए, हाथी तो बहुत है ऐसे खड़े हुए, आप देखोगे ना, ये देखिए, ये देखिए देखिए कितने बड़े हैं साइज में, नहीं कर कुछ भी है, हमारा लखनऊ सबसे बेस्ट तो है। कैसा लगा? बहुत ही मजा आ गया, इतनी तपती गर्मी में जो हम लोग ने रील बनाया है, बट थैंक्स टू दिस एलिफेंट जो कि ये स्टैचू है, इनकी शैडो में रह के हमने अच्छा खासा रील पड़ा, बस बड़ी मिनी वीडियो हमने बना ली है। तो बहुत अच्छा है, अभी हम लोग पॉपअप शूट कर रहे हैं क्योंकि गाइस अब जहाँ नहीं, अब नहीं सहन कर पा रहे ज्यादा गर्मी को, और हम नवंबर में आएंगे फिर ठंडी। अच्छा हाँ, तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, तभी तेरे को बाइक में ले जाऊंगा वरना तू ऑटो से आएगी। चल अच्छा जी बता, तू इमेजिन कर कि तू बीच समुंदर में पड़ी हुई है, बीच समुंदर में फंस गई है, ठीक है, बस उधर कुछ हवाई जहाज के पार्ट्स पुर्जे हैं वो टूटे पड़े, तो तू समुंदर के बीच से कैसे निकलेगी? टूटे पड़े समुंदर के बीच में से कैसे निकलूंगी? तैर करके निकलूंगी, बोट बनाऊंगी यहाँ तो, उसका कुछ ना कुछ तो करूंगी। अबे पागल, तू इमेजिन से बाहर भी तो निकल सकती है। क्या